हाय श्रेंड, लुक बेटा, अब तक हम लोगों ने आप सर्कल टॉपिक्स में हम सर्कल्स के डिस्कशन करें, उस टॉपिक में हम लोगों ने वी हैव स्टार्टेड और बेसिक कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग से देखा कि अगर प्लेन में हमारे पास वी हैव वन ऑफ द सर्कल और एक हमारे पास एक लाइन है, तो हमने रिलेशनशिप देखी सर्कल और लाइन का कि हमारी एक लाइन है सर्कल को वो एक पॉइंट पर टच करती है या तो बिल्कुल टच नहीं करती है एंड देन या तो सर्कल को दो डिस्टेंस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। उन तीनों केसेस में देखा कि अगर वो किसी एक पॉइंट पे टच करती है हमारी लाइन सर्कल को, यानी इट्स अ केस ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, उससे रिलेटेड उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, फिर हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स क्वेश्चन देखे उसके बाद करते हैं। देन लाइन किसी सर्कल को टच नहीं करती है तो उसे हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, और वो लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है इट इज नोन एज सेकेंड टू सर्कल। देन हमारा जो मैटर ऑफ फैक्ट है चैप्टर में वो सारा का सारा कुछ रन कर रहा है किसके अबाउट, पूरा टेंजेंट टू द सर्कल जो भी कुछ हम डिस्कशन कर रहे हैं बेटा वो इट्स अबाउट अ टेंजेंट टू द सर्कल, कि हम सर्कल के सर्कमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट को लेकर हम क्या कर सकते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि जो सर्कमफेरेंस है उस पॉइंट पे वो इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से वो लोकस होकर बनती है, फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू फिक्स डिस्टेंस जो भी हमारी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है वो हमारी सर्कल फॉर्म करता है बेटा। देन तो उसी के बाद हमने दो थ्योरम्स की डिस्कशन की अपनी लास्ट क्लासेस में, हमने देखा कि जो जहाँ सर्कल लाइन जिस सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करती है वो हमारा केस ऑफ टेंजेंट होता है, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है वहां पर हमारा क्या होता है रेडियस टू सर्कल और टेंजेंट एट द सर्कल, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपस में क्या होते हैं बेटा वो परपेंडिकुलर होते हैं, हमने ये देखा। फिर हमने देखा कि हम किसी भी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हैं, किसी भी हम क्या कर सकते हैं किसी भी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स को ड्रॉन कर सकते हैं, ठीक है, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉन करते हैं उनकी लेंथ क्या होती है वो इक्वल होती है। मीन्स हमारे पास कोई सर्कल है, हमने सर्कल से आउटसाइड एक पॉइंट लिया, उस आउटसाइड पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हैं, और जो टेंजेंट ड्रॉन करते हैं उनकी लेंथ क्या होती है वो बेटा इक्वल होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक। फिर इसी दोनों प्रॉपर्टीज दोनों थ्योरम्स के एप्लीकेशन बेसिस हमारे जितने भी इस चैप्टर्स के क्वेश्चन से उस पर हमने अब तक क्वेश्चन की डिस्कशन कर रखी थी, ठीक। तो उसी से आगे बढ़ते हुए हमने कुछ बोर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस किए टेंजेंट टू सर्कल कॉन्सेप्ट के साथ, हमने फिर कुछ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन भी किया, आज भी इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए दो तीन क्वेश्चंस करते हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, फिर अगले क्लासेस में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, व्हाट वी हैव गिवन देयर इन द फिगर द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास क्या किया गिवन इन फिगर द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टच अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर एट पी क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इन फिगर ए बी सी साइड्स ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए ऑफ ट्राइंगल्स ए बी सी टच अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। And radius r at P, Q and R respectively. We have to prove that. अब यहाँ पे दो पार्ट्स होगा। हमें क्या प्रूव करना है? AB plus CQ is equal to EC plus BQ. ए बी प्लस सी क्यू इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू, एंड सेकेंड पार्ट में क्या हमें प्रूव करना है, वी हैव टू बी प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी
इंटू आर, ठीक है, अगर आप ओ आर को मिला दें, जो आपका आर है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है। तो ये वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी गिवन दैट हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, इनसाइड द सर्कल हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, इनसाइड द ट्राइंगल हमारे पास एक सर्कल है, सर्कमस्क्राइब है, जो ट्राइंगल को पी क्यू आर डिस्टेंस पॉइंट पे टच करती है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दैट द लेंथ ऑफ ए बी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड इनटू आर, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या प्रूव करना है, ये वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड इनटू आर, अगर आर इज आवर रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये हमें प्रूव करनी है, ये दो चीजें क्वेश्चंस के साथ हमें दो टॉपिक्स को प्रूव करनी है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। जब हमें फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव करना है, व्हेन वी हैव टू प्रूव दैट ए बी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है, ए बी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए सी प्लस डी क्यू, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारा एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, ए क्या क्या हमारे पास है ना, वी हैव ए पी इक्वल टू ए क्यू होगा, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, ये हमारे टेंजेंट्स है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होते हैं, देन वी हैव ए पी इक्वल टू ए क्यू, अगेन बी इज एक्सटर्नल पॉइंट, बी पी एंड बी आर टू टेंजेंट, इनके भी लेंथ आपस में इक्वल होंगे, सी हमारी एक्सटर्नल पॉइंट है, सी आर सी क्यू टेंजेंट है, इनकी भी लेंथ आपस में क्या होनी है, इक्वल होनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास व्हाट वी हैव वो लिख लेते हैं, वी हैव क्या है हमारे पास, ए पी इक्वल टू ए क्यू, बी पी इक्वल टू बी आर एंड सी क्यू इक्वल टू सी आर, ठीक है बेटा। ये सारी चीज हमें व्हाट वी हैव हमारे पास क्या है, हमने हमारे पास जो चीज है उसको मेंशन कर दी, बिकॉज ए बी सी आवर एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल, ए बी सी हमारी एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल है, तो देन हमने जो भी हमारी गिवन क्वेश्चन थी उसको हमने दिखा दिया, नाउ वी हैव, बट वी हैव टू बी सो दैट ए बी प्लस सी क्यू इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस सी क्यू इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू दिखाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमें वो जो शो करना है उस पर काम करते हैं, पी क्यू आर वो टेंजेंट दे रखे थे, सॉरी फिगर के अकॉर्डिंग हमें हमने जो पॉइंट्स है उसमें दो पॉइंट डिफरेंट कर लिए हैं, पी क्यू आर, अब इसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू चेंज होगी थोड़ा सा, उसी इट्स माई प्रोजेक्ट यू, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन प्रूव करना है वो अकॉर्डिंग टू फिगर चलना है, तो मैंने जो ये थे वो थोड़ा सा पॉइंट डिस्टर्ब कर दिया, तब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये थोड़ा चेंज होगा, ए पी इक्वल टू ए आर हो जाएगा एंड बी पी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा, वो तो आपका सेम है, सी क्यू इक्वल टू सी आर, ठीक है, वो ले किया अभी, ठीक है बेटा, अभी ए पी इक्वल टू ए आर, बी पी इक्वल टू बी क्यू, सी क्यू इक्वल टू सी आर, ठीक। तो ये हमारे पास था, अभी हमें टर्म जो प्रूव करनी है वो ए बी प्लस सी क्यू इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू प्रूव करनी है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, ए पी इक्वल टू ए आर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ए पी ए आर इक्वल है, ए पी को कैसे ले सकते हैं, जो हमारा लेंथ ए पी वो क्या आएगा, इस ए बी अगर ए बी में से बी पी को माइनस कर दें, मीन्स ए बी माइनस बी पी, ठीक, वैसे हम ए आर, हाउ कैन वी राइट डाउन आवर ए आर, वी कैन राइट ए आर एज ए सी माइनस सी आर, ठीक है ना, ए सी माइनस सी आर, कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हमारे पास गिवन थी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया, ए पी को टू ए आर से स्टार्ट किया, ए पी को ए बी माइनस बी पी लिखा, ए सी को सी आर लिखा, अभी क्या कर रहे हैं, बी पी को चेंज कर रहे हैं बी क्यू से, नाउ ए बी माइनस और बी पी इक्वल टू बी क्यू, यहाँ बी क्यू लिख दिया ए सी एंड अवर सी आर इक्वल टू सी क्यू, देन सी क्यू लिख दिया, अभी इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, देन व्हाट वी हैव ए बी प्लस सी क्यू इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस सी क्यू इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू,
बी प्लस सी क्यू इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू, ये हमारी फर्स्ट पार्ट थी जो हमें सोन करनी थी, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट डाल लिया। ठीक, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे फिगर के अकॉर्डिंग ए बी सी एक स्टैंडर्ड पॉइंट थी, हमें फर्स्ट प्रूव करनी थी कि द लेंथ ऑफ ए बी प्लस सी क्यू इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू। हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, कौन सा कॉन्सेप्ट, कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी कोई टेंजेंट ड्रॉन करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। देन वी हैव ए की इक्वल टू ए आर, बी की इक्वल टू बी पी, सी की इक्वल टू सी आर। ठीक है बेटा, ए पी इक्वल टू ए आर, बी पी इक्वल टू बी क्यू, सी इक्वल टू सी आर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, मेंशन कर देंगे, सिंस हियर सिंस ए इज आवर एक्सटर्नल पॉइंट एंड ए पी एंड ए आर टेंजेंट, देयर लेंथ आर इक्वल। ठीक, वैसे हमारे सिमिलरली भी है, बी पी इक्वल टू बी क्यू एंड सी इक्वल टू सी आर। फिर हमने ए पी इक्वल टू ए आर लिया, फिगर को यूज किया, राइट ऑफ ए पी एज ए बी माइनस पूरे ए बी में से अगर बी पी को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट ए बी। सिमिलरली वी कैन राइट डाउन आवर ए आर, हाउ कैन राइट ए आर, ए आर वी कैन राइट डाउन आवर ए आर एज ए सी माइनस सी आर। देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू चेंज आवर दिस बी पी इक्वल टू बी क्यू, देन वी राइट इंटरचेंज आवर बी पी बाय बी क्यू बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्किल। सिमिलरली वी चेंज सी आर टू सी क्यू because again c is the external point and length of tangent are equal there. Then now after intersecting by using this values we have finally ab plus cq equal to ac plus bq. ye the beta hamari first result. theek, abhi same figure pe hamare paas dusre result ko prove karna hai. now we are going to prove that, we are going to show that the area of triangle abc, the area of triangle abc is equal to half of the perimeter of triangle ABC into R. ठीक, अब हमें जो लास्ट यूनिट है बेटा उसका एज अप्लाइड प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है, देन उस पर जो सेकेंड हम यहाँ यूज करेंगे उस एप्लीकेशन पे बेटा क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास में, एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक, तो अब चलते हैं उस सेकेंड क्वेश्चन पार्ट को प्रूव करने के लिए। अभी सेकेंड पोर्शन को प्रूव करें उससे पहले पेरीमीटर की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली हमें कुछ इनकी लेंथ तो गिवन है नहीं, कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो पहले एज्यूम कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं किससे, लेट ए बी ले लिया, मान लिया जो ए बी की लेंथ है वो एक्स सेंटीमीटर है, ए बी इक्वल टू एक्स, बी सी इक्वल टू वाई सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू जेड सेंटीमीटर, ए बी एक्स, बी सी वाई, ए सी जेड सेंटीमीटर। ठीक है, हमने यूनिट भी देते हैं कि साथ एक्स वाई जेड से भी काम चल सकता था। ठीक है, पर ऑब्वियसली ये लेंथ है तो लेंथ को कुछ यूनिट देना पड़ेगा, हमने ले लिया, हमने सपोज कर लिया। तो अभी जब हमें लेंथ पता होगा कि ये एक्स है, ये वाई है, जेड है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, देन वी हैव द पेरीमीटर ऑफ आवर ट्रायंगल एबीसी इज गिवन बाय सम ऑफ ऑल साइड्स मींस एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा, इज इट। ठीक है, now we have the perimeter of our triangle ABC is given by x plus y plus z, पर इसको हमें perimeter को relationship में लाना है किसके साथ, area के साथ लाना है, किसके साथ लाना है बेटा, area के साथ। तो अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर figure को हम यहाँ पे reconstruct कर लें, तो आपको लगेगा जो हमारा एरिया ट्राइंगल ABC है, वी कैन राइट अ नाउ आते हैं एरिया की बात करते हैं, नाउ आवर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, नाउ इट्स कैन बी रिटन बाय एज एरिया ऑफ विच ट्रायंगल, ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ओ बी सी ओ ए सी। ठीक है, चलिए बात समझ आई बेटा आपको, हमने फिगर को रिकंस्ट्रक्ट किया, सेंटर स्टोन के वर्टिसेस से मिला दिया, देन हमारी जो कंप्लीट ट्रायंगल थी वो थ्री ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गई। जो कंप्लीट ट्रायंगल की एरिया है, वी कैन सो दैट जो कंप्लीट ट्रायंगल की एरिया है, जो कंप्लीट ट्रायंगल की एरिया है उसे हम सम ऑफ द एरियाज ऑफ थ्री ट्रायंगल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एरिया ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है,
अभी देखिए ये सारे टेंजेंट जा रहे हैं और वो सेंटर है, तो ओपी भी आपका रेडियस होगा। अभी हमने जस्ट प्रूव किया हुआ है कि सेंटर से जो रेडियस होती है उस पर क्या होती है, टेंजेंट्स पे परपेंडिकुलर होती है, हमने ये थ्योरम में देख रखा हुआ है। मीन्स ओपी परपेंडिकुलर टू एबी है ट्रायंगल, तो ये हमारा ट्रायंगल ओएबी में ओपी हमारा क्या हो जाएगा, हाइट। वैसे ही हमारा ओआर हाइट हो जाएगा ट्रायंगल ओएसी, वैसे ओक्यू हाइट हो जाएगा ट्रायंगल ओबीसी। मीन्स जो हमारा रेडियस है वो ट्रायंगल्स में हाइट ऑफ द ट्रायंगल वर्क करेंगे। देन नाउ एरिया ट्रायंगल ओबी हम क्या लिख सकते हैं, इट्स अ हाफ बेस इनटू हाइट ओ ए बी। ओ ए बी में बेस हमने ए बी को क्या माना, बेस एक्स हाफ इंटू एक्स, और जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो रेडियस बराबर है। मीन्स हाफ इंटू एक्स इंटू आर। ठीक वैसे हम एरिया ट्रायंगल ओबीसी क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू एक्स इंटू ओ बी सी। ओ बी सी बेस बी सी है, बी सी की लेंथ को हमने वाई लिया है, तो हाफ सॉरी यहां पे वाई लिखना पड़ेगा, हाफ इंटू वाई और वाई इंटू हाइट के आगे रेडियस है, प्लस एरिया ट्रायंगल ओ ए सी। ओ ए सी ए सी बेस है हमारी, तो जेड लिया है और जो परपेंडिकुलर है हमारी अगेन आर है, हाफ जेड इंटू आर। इन तीनों में क्या कॉमन है बेटा, हाफ एंड आर, तो आर बाई टू को कॉमन कर दिया। देन व्हाट वी हैव, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी नाउ इज गिवन आर बाई टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये हमारी रिक्वायर्ड रिलेटिव पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो हमें शो कर देंगे। ठीक है, आइए फिर से रिवाइज करते हैं क्वेश्चन को। ठीक, क्या किया फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद हमने क्या किया, ट्रायंगल को जो एबीसी ट्रायंगल था उसे डिवाइड कर दिया इन थ्री ट्रायंगल्स के पार्ट्स में, इन ओ ए बी ओ बी सी एंड ओ ए सी। डिवाइड करने के बाद क्या किया बेटा, हमने डिवाइड कर दिया तो हमने लेंथेस को ए बी को एक्स लिया, बी सी को वाई लिया, ए सी को जेड ले लिया। देन और उसके बेसिस में हमारी जो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। हो गया, ये कर दिया हमने। देन इसको रिप्रेजेंट करने के बाद हमने एरिया ट्रायंगल ओ ए बी की बात करेंगे, ओ ए बी एरिया ट्रायंगल ओ ए बी इट्स अ हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस ए बी था, ए बी की वैल्यू एक्स थी, एक्स का हाइट रेडियस था आर था। नाउ एरिया ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी सी बी सी हमारी क्या थी, वाई वाई एंड ये आर, हाफ बेस इनटू वाई टू आर रेडियस ले लिया, ए सी हाफ जेड इनटू आर। इन सब में r by 2 कॉमन का कॉमन करिए, दे दिया है x y plus z, देन r by 2 ट्रायंगल abc is equal to r by 2 पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल abc, पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल abc। तो ये थे हमारे आज के, ठीक बेटा ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, देखिए एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करेगा इन दोनों चीजों को, इस क्वेश्चंस को अच्छे से घर बैठे रिवाइज करेगा और इनको डिफरेंट वैल्यूज देखिए, इनके अप्लाइड बेसिस क्वेश्चंस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल देखिए, किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप अपने से खुद से आप खुद से क्वेश्चंस बनाइए वहाँ पे कि आपको पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल किसी ट्रायंगल एबीसी का पैरामीटर आपने खुद से लिखिए 24 और उसकी रेडियस 2 है तो उसकी एरिया क्या होगी, अब सीधा यहाँ पे अप्लाइड करिए पुट करिए और एरिया दे दिया रेडियस पता है तो उसकी पैरामीटर क्या होगी। मीन्स इस रिलेशनशिप पे आपका 1 मार्क्स में अप्लाइड क्वेश्चन आ सकता है, आपको एरिया दे दे रेडियस दे दे पैरामीटर पूछ ले, आपको पैरामीटर दे दे रेडियस दे एरिया पूछ ले। ठीक है, तो घर पे बैठ के इसको रिवाइज करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वी हैव सीन दैट इस क्वेश्चन की डिस्कशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो बेटा वो ये है, अगेन नाउ वी हैव अ पी क्यू आर इज अ राइट एंगल एट ट्रायंगल, राइट एंगल एट क्यू, क्या हमारे पास पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट क्यू है,
और सब फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट क्यू। पी क्यू इज इक्वल टू 5, क्यू आर इज इक्वल टू 12, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अ सर्कल विद सेंटर ओ इज इनस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ट्राइंगल सर्कल स्क्राइब है, बट हमारे सर्किल स्क्राइब है, जो बाहर आ रही है सर्कल स्क्राइब, अंदर है और ट्राइंगल बाहर आ रहा है, ये ट्राइंगल इट्स अवर स्क्राइब। नाउ वी हैव अ नीड अ ट्राइंगल हियर, ठीक है ना, द सेंटर ओ, अ सर्कल विद सेंटर ओ इज इनस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर touching all its all sides, find the radius of the circle. Then we have to find out the radius of the circle. Means हमें यहाँ पे radius of the circle को find out करना है। ये भी radius होगा, ये भी radius हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ radius जाएगा। तो PQR is right angle triangle at Q and PQ is equal to 5, QR is equal to 12. अब देखो right angle triangle है PQR, तो PR की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। PR की लेंथ क्या हो जाएगी, इट्स इक्वल टू अंडर रूट PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PQ हमारी बेटा 5 है, 5 स्क्वायर, QR हमारा 12 है, 12 स्क्वायर, देन वी हैव 25 प्लस 1234 इज इक्वल टू 169, देन वी गेट 13। मींस बेटा हमारी PR की लेंथ है, वो PR लेंथ है बेटा, वो क्या हो जाएगी, वो 13 सेंटीमीटर है। तो हमने जरूरत पड़ी, मे भी इसकी जरूरत पड़ जाए, क्योंकि अभी तो जानते नहीं कि हम किसके बाद डिस्कशन करें, ठीक है। अभी हमारे पास जो गिवन है उससे हमने निकाल ली, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। इस क्वेश्चन में बेटा हमें रेडियस बताना है, वी हैव टू फाइंड आउट आवर रेडियस, जो सर्कल इंस्क्राइब जो ट्राइंगल है उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी रेडियस की लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ स्टार्ट कैसे करते हैं, चलो स्टार्ट क्या करते हैं, पहले तो पी क्यू आर है, पहले ये जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं उस टचिंग पॉइंट से कुछ नाम दे दें। तो सपोज कि ये हमारा एस है, कि मीन्स हमारे सर्कल क्यू आर को टच कर रहा है, वो एस पॉइंट पे कर रहा है। यहाँ पे मान लिया पी पॉइंट है और ये पॉइंट हमारा क्या बेटा एम, ठीक। तो सपोज करते हैं कि जो हमारा क्यू एस है, ये टोटल मैंने 12 दिया है, ये 12 दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे सपोज कि हमारा जो क्यूएस था उसको हमने एक्स ले लिया, क्या ले लिया, एक्स सेंटीमीटर। क्यू हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर इसको हमने एक्स ले लिया तो ऑब्वियसली ये भी हमारा एक्स होगा, ठीक है, बात समझ आ गई आपको। क्यूएस को एक्स लिया तो क्यू टी भी एक्स हो जाएगा और लेंथ ऑफ पीटी क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स, ये हमारा 5 माइनस एक्स, ठीक। वैसे बेटा अगर ये 12 गिवन है तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा 12 माइनस क्यू एस एक्स हो गया, तो हमारा क्यू टी भी एक्स सेंटीमीटर हो गया। देन मेंशन कर लेते हैं, देन वी हैव पी टी, पी टी इक्वल टू 5 माइनस एक्स एंड एक हमारे पास एस आर, एस आर इक्वल टू 12 माइनस एक्स, ठीक, जो चाहिए थी उन्हें लिख ली। अभी अगर ये 12 माइनस एक्स है बेटा, आर हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये वाला भी लेंथ क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स। अगर ये पी टी 5 माइनस एक्स है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स। अब देखिए जो हम लेते हैं लेंथ पी आर, जो हमारा लेंथ बेटा पी आर वो हमारा क्या है पी एम प्लस एम आर, हाइपोटेन्यूस वाली लेंथ लेते हैं। पी आर की वैल्यू हमने निकाली 13, यहाँ 13 पुट कर दिया, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा रहा है। पी एम की वैल्यू क्या है 5 माइनस एक्स, आर एम की वैल्यू क्या है 12 माइनस एक्स, अब वॉट भी है 13 इक्वल टू 17 माइनस 2 एक्स, देन 2 एक्स इक्वल टू 17 माइनस 13, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स 2 एक्स इक्वल टू 4, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। क्या है हमारी वैल्यू ऑफ एक्स, क्या है हमारी 2 सेंटीमीटर।
हमने x की वैल्यू निकाल ली, बट हमें क्या निकालना था? हमने x की वैल्यू निकाल ली पर हमें व्हाट वी टू फाइंड आउट दैट, हमें रेडियस की वैल्यू निकालनी है। रेडियस क्या होगा? अब इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करें? थिंक, बताइए क्या हमारे पास, कैसे हम शो कर सकते हैं कि हाउ कैन फाइंड आउट, क्योंकि हमने ये लेंथ x निकाल लिया हुआ है, बट इन द क्वेश्चन वी हैव नॉट, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x है। हमें जो मेन पर्पज थी उस पर्पज में वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेडियस हियर। तो हाउ कैन वी गेट द इट्स रेडियस देयर? हमने राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट यूज कर दिया क्या? मेरा जो हमारा क्यू एस ओ टी है वो क्या है? एक्चुअली जो हमारा बेटा क्यू एस ओ टी है वो हमारा क्या है? इट्स रिप्रेजेंट स्क्वायर। ये हमारा क्या है? एक स्क्वायर जो हमारा बट ओ एस यू टी इज अ स्क्वायर, देन एक्स इज इक्वल टू आर, ठीक है, हमारा एक्स आर हो जाएगा, देन वी हैव एक्स इक्वल टू आर, देन द वैल्यू ऑफ आवर आर इज 2 सेंटीमीटर। अब मे बी लुक, मे बी यू हैव डाउट्स इन योर माइंड दैट कि हमारा जो ये ओ एस क्यू टी है वो स्क्वायर कैसे होगा। अगर आपके दिमाग में बेटा ये चीज चल रहा है तो क्वेश्चन वर्क नहीं करिए, हम क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे कि हाउ कैन वी शो दैट दिस आवर ओ एस क्यू टी इज अ स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमें एक गिवन था कि ट्रायंगल पी क्यू आर में एक सर्कल इंस्क्राइब है, पी क्यू की लेंथ 5 दे रखी थी, क्यू आर की लेंथ 12 दे रखी थी, और जो सर्कल इंस्क्राइब है उसके रेडियस हमें हमसे पूछ सकता था, इट्स आस्किंग अबाउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ द इंस्क्राइबिंग सर्किल देयर, तो सर्किल इंस्क्राइब है उसकी रेडियस क्या होगी। तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल था पी क्यू 5 था, क्यू आर 12 था, पहले हमने हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकाली थी यानी पाइथागोरस थ्योरम, ये आर इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दिया 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, देन वी गेट द वैल्यूज ऑफ पी आर इक्वल टू 169 एंड स्क्वायर रूट व्हाट 13, वी गेट इट्स वैल्यू इज 13 देयर। तो हमने लेंथ निकाली 13 सेंटीमीटर बाय यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब क्यू एस इक्वल टू एक्स, हमने लेंथ कर लिया, जो लेंथ ऑफ क्यू एस है वो एक्स है, अगर क्यू एस तो क्यू स्टार्ट पॉइंट ऑफ क्यू टी की लेंथ भी एक्स होगी, उसको लिख लिया। ये टोटल लेंथ पी क्यू 5 कर रखा है, अगर ये एक्स है तो ये लेंथ क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स, अगर अभी पी स्टार्ट पॉइंट है ये लेंथ 5 माइनस एक्स है तो पी एम भी हमारा 5 माइनस एक्स होगा, ठीक वैसे हमारा आर एस, आर एस ये एक्स है तो आर एस हमारा 12 माइनस एक्स होगा, तो आर एम भी हमारा 12 माइनस एक्स होगा। अब इस पी आर की वैल्यू 13 है, जहां पर पी आर हमारा क्या है, आप आसानी से दिखा दोगे, आप अगर यहां से इसको ज्वाइन कर दो तो ये 90 डिग्री है इन ट्रायंगल OSQ एंड OPQ, ये 90 डिग्री ये हाइपोटेनस है, ये रेडियस है 90 डिग्री, तो हमारी जो ट्रायंगल से बेटा कॉन्ग्रुएंस हो गई, देन बाइसेक्टिसिटी आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, ये इसके इक्वल हो जाएगी, ये इसके इक्वल हो जाएगी, मतलब R और X बराबर है, मींस OSQ इज अ स्क्वायर, OSQ इज स्क्वायर हो गई, जो आपकी X की वैल्यू है वो R की है, देन वी गेट, हमने क्या निकाल दिया, इन दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ R इज 2 सेंटीमीटर, तो हमारा बेटा वैल्यू ऑफ आर है वो क्या होगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लुक बेटा, हमने आज दो दो तीन मतलब एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, वी हैव डन टुडे थ्री मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस पे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस बना सकते हैं, यहां पे भी बना सकते हैं, यहां पे भी चीजें आप पूछ सकते हैं, या ठीक है दिस एप्लीकेशन बेस पे अगर वो एरिया ऑफ सर्कल दे दे तो आप उस बेसिस पे उसी कॉन्सेप्ट पे r इक्वल टू x दिखा के आप इस लेंथ को फाइंड आउट करके आप रेडियस बता सकते हो। बस आप ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आपको सॉल्व करते हुए हाइपोटेनस के टर्म्स में कुछ नहीं करना है, वहाँ पे आपने हमने बेसिक्स में एप्लीकेशंस स्टैंडर्ड पॉइंट्स उनकी लेंथ यूजेस की,
उसके बेसिस पे हमने इनको डिस्क्राइब किया, सिर्फ हाइपोटेन्यूज को एक्सप्रेस कर दिया, इनके टेंजेंट के टर्म्स में ऐड किया, वहां से हम सीधा एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो एक्सप्लेन करने के लिए बताया, पर वन मार्क्स में देखे तो आप आसानी से सीधा क्या करिए, आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालिए और उसके टेंजेंट के लेंथ से बराबर करिए, सीधा आप विद इन वन मिनट आप एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और वाई एक्स आपका रेडियस ऑफ द सर्किल होगा। देन थैंक्स टू ऑल फॉर टुडे क्लास।